विधु विनोद चोपड़ा और डेब्यूटान डायरेक्टर राजू हिरानी ने अपनी नई फिल्म मुन्ना भाई MBBS के लिए एक कास्टिंग को अचीव किया है। संजय दत्त और उनके पिता सुनील दत्त स्क्रीन पर पहली बार बाप बेटे के रोल्स निभाएंगे। इनफैक्ट सुनील दत्त के लिए मुन्ना भाई MBBS उनकी कमबैक फिल्म होगी। बेसिकली एक्साइटमेंट तो है कि पहली बार हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, उसको भी कितने साल हो गए फिल्मों में मुझे भी, और ये पहला मौका मिला है थैंक्स टू विनोद। मेरे बहुत सारे दोस्त थे मेडिकल स्टूडेंट जिनके साथ वक्त गुजारा, तो उनके साथ काफ़ी किस्से होते थे जो मैं लिख के रख लेता था, तो इस टाइप के गैग्स थे। जब मैं कुछ नहीं लिख पाया तो मैंने ये सारे गैग्स निकाले ना, आई थॉट आई कुड डू अ फिल्म विद इट। वो सारे जब जोड़ने लगा, एक सेंट्रल थीम मिला, तो मुझे लगा कि इस पर फिल्म बन सकती है। वैसे इस कॉमेडी वेंचर के कास्ट में पिछले साल भर काफी चेंजेस होते रहे। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय और तब्बू ने फिल्म को ठुकरा दिया, और फाइनली दत्त सीनियर और जूनियर के साथ फिल्म में अरशद वारसी, जिमी शेरगिल और ग्रेसी सिंह कास्ट किए गए। व्हाट अ कम डाउन। हम जैसे कहानी लिखते हैं, हम देखते हैं कि भैया ये कहानी में फिट होती हैं कि नहीं होती, या होते हैं या नहीं होते, और उनका एंथुजियाज़म वो फिल्म करने के लिए क्या उतना ही है जितना हमारा एंथुजियाज़म है। तो ये एक गेटिंग टू नो ईच अदर की प्रोसेस होती है, लेकिन उसको लेके कोई, हमने कभी नहीं कहा कि हमारी फिल्म में कोई इनमें से कोई भी एक्ट्रेस है। बैकग्राउंड एक्शन। फिल्म में संजय दत्त मुन्ना भाई नाम के एक टपोरी का रोल कर रहे हैं। मुन्ना भाई डॉक्टर बनने का सपना रखता है और अपने पेरेंट्स को वो पहले से झूठ बोल देता है दैट ही इज अ डॉक्टर। इस फरेब में उसके सारे दोस्त भी उसका साथ देते हैं। थोड़ी सी रोमांस है और एक मैसेज है, यू नो, काफ़ी रियलिटी है इसके अंदर, काफ़ी हकीकतें हैं जो वाकई में होता है। मुन्ना भाई की कहानी जो है बहुत सिंपल है, बहुत सीधा सादा अच्छा इंसान है जो डॉक्टर बनना चाहता है, और है वो टपोरी, छोटा गुंडा सा है बम्बई शहर का, और वो बनना चाहता है डॉक्टर। अब क्यों बनना चाहता है डॉक्टर? एक तो वो समझता है कि जो डॉक्टर हैं और हिंदुस्तान के डॉक्टर हैं वो असल में देखा जाए तो बहुत चोर और लुटेरे हो गए। मतलब वो, अगर आप कभी अस्पताल जाएं तो आप देखेंगे कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को रेफरेंस करेगा, फिर लिवर का भी कर लेगा ऑपरेशन, इसका भी कर लेगा, और ऑपरेशन नहीं तो एक्सरे तो हो ही जाएंगे 10-20, और फिर सब अपने अपने 2-2, 5-5% कमा लेंगे। अब देखना ये है कि इंडियन मेडिकल फ्रटर्निटी बॉलीवुड के इस आउटस्पोकन फिल्म मेकर के रिमार्क्स पर क्या रिएक्शन देती है, और अगर इससे कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो भी गई तो विनोद चोपड़ा फ्री पब्लिसिटी से खुशी होंगे।